कराने गया था कार वॉश, और मैं भी यहाँ पे आके ये करवा रहा हूँ। मैं गोवा में 15 साल से हूँ और थोड़ा थोड़ा हिंदी अच्छा बोलता भैया। सॉरी, आपको किधर देखा है? मैं YouTube पे देखा है और YouTube पे देखा, मालूम नहीं। आज है गोवा में हमारा लास्ट डे, कल हम निकल रहे हैं, तो दोनों कारों को वॉश करवाना निकलने से पहले। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं 1 बजे निकला हूँ वॉश कराने के लिए, जहाँ पे मोस्टली सारी जगहें बंद होगी। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वैसे कोई है ही नहीं, पूरा का पूरा खाली है, मैं अकेला हूँ, मेरी कार है, तो ऐसा लग रहा है पाइप लगा के मैं खुद ही धो के निकल लूँ। तो जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, उन्होंने बोला लंच ब्रेक पे हैं तो आप 1 घंटे बाद आइए। ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे गोवा में। मैंने तो बोला कि आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दे दूंगा, आप कर दो, लेकिन बोला लंच टाइम है, नहीं होगा। तो यहाँ पे मतलब जो लंच टाइम है वो डेजिग्नेटेड लंच टाइम है, जैसे मोस्टली बाकी सिटीज़ में मैंने देखा है आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दो लोग कर देते हैं, यहाँ पे वो नहीं करते हैं। वॉशिंग के लिए अभी सभी जगह बंद थी, तो मैं आ गया हूँ सलून अपनी बियर्ड को ब्लीच करवाने के लिए, पहली बार करवा रहा हूँ, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं आके यहाँ पे गोवा में करवाता हूँ। तो कल मुंबई जा रहे हैं, सैंडी को पता नहीं, मैं ये कराने आया था, मैं कराने गया था कार वॉश, और मैं भी यहाँ पे आके ये करवा रहा हूँ। सो दिस इज द फाइनल लुक। अभी आई डोंट नो हाउ सैंडी विल रिएक्ट बिकॉज़ शी डजंट नो व्हाट आई डिड। सो अभी चलते हैं हम वापस, लेट्स गो मीट सैंडी, लेट्स सी हर रिएक्शन फर्स्ट। आई काइंड ऑफ लाइक इट, इट्स एक्सपेरिमेंटेटिव, शॉर्ट टर्म, फन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वॉश कराने आया था कार, और करा क्या दिया मैंने। आज सैंडी इज़ गोना बी क्रेजीली सरप्राइज्ड, एंड आई काइंड ऑफ लाइक द लुक, क्योंकि पता है कुछ टाइम रहेगा फिर अपने आप मेरे ब्लैक, मेरी ब्लैक बियर्ड वापस आ जाएगी, इसको मैं शेव ऑफ कर दूंगा। तो बट मैंने जैसे बोला, आई लाइक डूइंग एक्सपेरिमेंटेड थिंग्स, स्पेशली व्हेन आई एम इन गोवा। तो कल मुंबई जा रहा हूँ ये लेके, लोगों को भी पता नहीं व्हाट विल बी द रिएक्शन, मेरे घर वालों का भी देखते हैं, इट्स गोना बी फन। दो कार फाइनली वॉश हो रही है, दोपहर के 3 बजे। गोवा का ये चीज़ बहुत अच्छा है, दोपहर को पैसा एक्स्ट्रा भी, मैंने बोला पैसा एक्स्ट्रा लो नहीं, लंच के लिए फ्रोज़ है, सही है। राइट, सो कार फाइनली वॉश हो गई। एक मेरा प्लान था 4 बजे से पहले दोनों वॉश कराने का, बट वो तो अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि हमको पहुँचना है 4 बजे होटल रमाडा। तो चलो अभी पहले घर चलते हैं, सैंडी को मिलते हैं, लुक दिखाते हैं, और फिर रमाडा चलते हैं। वेल, सो सैंडी फाइनली आ गई है यहाँ पे, तो एक बार सैंडी का रिएक्शन आपको दिखाता हूँ। तो अब मुझे पता नहीं सैंडी का रिएक्शन अच्छा था कि सैंडी ने ऐसे ही बोल दिया ये लुक गुड, क्योंकि अभी ऑप्शन नहीं है ऐसे जब तक मैं शेव नहीं करूँ। यार, इट डज लुक गुड। चलिए, तो अभी लेट हो रहे हैं, चलते हैं यहाँ से। राइट, चलो, तो अभी रमाडा फाइनली पहुँच ही गए इस ट्रिप में, दूसरी बार, काफी दिन बाद आए यहाँ पे। सब बस बढ़िया। क्या मत करना, अभी भावेश को कैसा लगा लोग? बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि कोई फॉरेनर यहाँ पे आ गया, जो जिसको हिंदी काफ़ी अच्छी आती है। या मैं गोवा में 15 साल से हूँ। ओके, और थोड़ा थोड़ा हिंदी अच्छा बोलता, काफ़ी बढ़िया बोलते हैं, अब मेरे से भी अच्छी। ऐसे सन मेरे आँख पे आ रहा है, तो मैं से। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र से हो, तो आप मराठी बात करते हैं? मेरा नाम करना है, मराठी में तो कितनी अच्छी होगी ना तुम्हारी। मेरे बाल नहीं, बियर्ड ब्लॉन्ड होने के साथ साथ मेरे हाथ भी मुझे लग रहा है थोड़े से लंबे हो गए, इतना मैं दूर पकड़ के रखा था ना कैमरा, तो शोल्डर मेरा स्ट्रेच हो गया और बाइसेप भी थोड़े लंबे हो गए। तो अभी रात को फाइनली डीजल भरवा रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो गया डीजल। भैया सॉरी, आपको किधर देखा है? मैं YouTube पे देखा है और YouTube पे देखा, मालूम नहीं। हाँ, ऐसे ही कुछ ना आ गया। हाय चिका, शी इज लवली, नॉट बाइट। अभी बजे हैं रात के 12 बजे 12 मिनट हैं, और हम आए हैं सियोलिम चर्च, क्योंकि
कल हम वापस मुंबई जा रहे हैं, तो आखिरी बार सियोलिम चर्च को देखने आए हैं। वैसे तो हम यहीं से गुजरेंगे मुंबई, तो ये सेकंड लास्ट टाइम होगा, बट रात को बहुत प्यारा और खूबसूरत लगता है चर्च। यार मिस तो बहुत करूंगी मैं, आई थिंक मैं डेफिनेटली वापस आ रही हूँ। वो जगह हमने लास्ट टाइम देखी थी 2 दिन पहले, और जाने भी वाले थे, पार्किंग वहाँ पे थोड़ी ऊपर ऊपर थी, इसलिए फिर मैंने कार घुमा के वापस आ गया। बट ये वाली जगह जो है सियोलिम में इस बार रह जाएगी, बट होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे जाएंगे। पिक्चर्स में तो बहुत प्यारी लगती है, अभी लाइटिंग नहीं है तो पता नहीं, लेकिन पिक्चर्स में दिस लुक्स ब्यूटीफुल। राइट, सो अभी सारी पैकिंग चल रही है और धीरे धीरे थोड़ा सा सामान जा रहा है नीचे। तो हमारा प्लान है कल सुबह निकलने का, और सामान हम आज से ही कार में रख रहे हैं, आज से पैकिंग करेंगे तो कल तक होपफुली सामान पैक हो जाए, वरना सामान की वजह से एक दिन एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं डिक्की पूरी खाली है, और ये कल तक पूरी भर जाएगी। तो मेरे वाइप का पानी ख़त्म हो गया था, तो अभी मैं इसमें पानी भर रहा हूँ। मैंने वेदर रिपोर्ट में पढ़ा है कि कल बारिश हो सकती है मुंबई के आसपास, पुणे के आसपास, सो आई डोंट वांट टू टेक अ चांस। अगर वाइपर यूज़ करना पड़े तो पानी होना ज़रूरी है। मैंने जर्नी के लिए ये वाला पिलो भी ऑर्डर किया है जो फ्रीडो कंपनी का है, और ये यहाँ पे जाता है। सो कल जो हम लोग जर्नी करने वाले हैं 800 किलोमीटर की लगभग, तो उसमें इट बिकम्स वेरी टायरिंग, 14-15 घंटे की ड्राइव है, और गर्दन हमेशा ऐसे रहती है, तो दिस अपेरेंटली गिव्स यू अ बेटर थोरैसिक सपोर्ट। तो सो अभी तक मैंने इसको सिटी में यहाँ पे थोड़ी देर ट्राई किया है, बट इजंट रियली दैट इफेक्टिव, बट लेट्स सी। अभी इसको दूसरी कार में भी ट्राई कर रहा हूँ तुरंत, देखते हैं कैसे है। तो कल जाने से पहले मुझे ये कार की वॉशिंग करानी है, आप देख ही सकते हैं इसकी हालत कितनी ख़राब हो गई है। आज पता नहीं क्यों बट द गर्मी सीम्स अनबेरेबल, इतनी बुरी हालत है आज, इतना गर्म है, गॉड नोज व्हाट्स हैपनिंग। बट ये वाला जो मैंने लिया है वो है 1000 रुपये का, आई थिंक 1200 रुपये का एक है, मैंने 2 मंगाए। लेट्स सी, इसको लगाता हूँ फिर देखता हूँ कैसा लगता है। सो अभी कार का फाइनली वॉशिंग करवा रहा हूँ, और मुझे यही डर था, मैं थोड़ा लेट निकला लंच टाइम के आसपास, तो मुझे लगा आज भी मेरा वैसा ही कल जैसा हाल ना हो कि लंच ब्रेक पे पहुँचूँ और फिर वापस आना पड़े, बट यहाँ पे हो गया, विच इज़ ग्रेट। तो ये जो जगह है वो सियोलिम के बहुत पास है। सो कार वॉश फाइनली हो चुकी है, और ये वाला जो मैंने ख़रीदा है उसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट तो कर दिया, बट आई फर्स्ट इंप्रेशन मुझे इतना पसंद नहीं आया BMW में, द फिटिंग एंड एवरीथिंग, इतना मज़ा बिल्कुल नहीं आया, बिकॉज इट्स 1200 रुपीज़ एक का। सो फॉर दैट प्राइस पॉइंट आई डोंट थिंक मैं शायद उसको रिटर्न ही कर दूँ। यहाँ पे मैं एक बार वापस टेस्ट कर रहा हूँ, इट्स अ लिटिल ट्रिकी टू गेट इट इनसाइड। अगर यहाँ पे इसको अंदर ऐसे इंसर्ट कर दें, जो देखिए बाहर आ गया वापस, सो अगर ये यहाँ पे अंदर चला जाए तो फिर जो थोरैसिक सपोर्ट है दैट्स गुड, बट उसका जो स्ट्रैप है वो बहुत छोटा है फॉर दिस टू स्टे हियर। सो मैं अभी थोड़ी देर ट्राई करता हूँ, वरना दिस गोज बैक फॉर रिफंड एंड नॉट वर्थ इट अभी तक, तो लेट्स सी आगे। आज पता नहीं क्यों हर जगह बहुत ट्रैफिक मिल रही है, या शायद ये हमारे लिए प्रेपरेशन है कि जब आप मुंबई वापस जाएं तो आपको थोड़ी बहुत फील हो तो आपको क्या फेस करना पड़ेगा वहाँ पे, बट गॉड नोस व्हाई आज बहुत ट्रैफिक है हर जगह। खड्डा, तो मैं इसलिए खड्डा बचाते बचाते राइट में ले लिया, बट ये एक स्पॉट है जहाँ पे कभी कभी बहुत ट्रैफिक होता है, बिकॉज ऑफ अगेन स्टूपिड ड्राइवर्स आई वुड से, जो आ जाते हैं दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं, ऐसा मुंबई में बहुत बार होता है राइट, खासकर रिक्शा की वजह से। तो आज यहाँ पे भी काफ़ी देर तक ऐसा था ट्रैफिक, बट अभी क्लियर आउट हो गया है, तो भी आई डोंट थिंक इट विल बी एनी मोर ऑफ अ ट्रैफिक इशू, होपफुली फिंगर्स क्रॉस। 2 जगह पे हो चुका है, सो नेवर से नेवर। ये किसका नाम था, जस्टिन का था ना, जस्टिन एंड नेवर से नेवर, चिक 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 चिक, नेवर से नेवर। आखिरी शाम में हम पहली बार आए हैं, आखिरी शाम में आखिरी बार आए हैं अंजुना, सोच रहे हैं मोस्ट मैड कैफे जाएं, बट आई डोंट थिंक, बहुत कॉफ़ी पी ली है, आज सिर्फ घूमते हैं सारी जगह एक बार वापस देख के इंस्पेक्ट करके जाते हैं कि कैसी छोड़ के जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो हम वो कंपेयर करें कि सब कुछ लोगों ने सही रखा है या नहीं। ऑलराइट, तो कहाँ है मोस्ट मैटर, बाहर से ही देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो कभी कभी लगता है ऐसे जो फूड ट्रक लगाते हैं ना यहाँ पे, ये वाले जो फूड ट्रक है वहाँ पे, हम अपने BMW में ट्रक लगा दें। आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है ना, ये चाय वाला, ये पानी पूरी वाली, ये, तो हम भी कुछ कर देते हैं,
सैंडी अंकरन चाय कॉफी वाले क्या बोलते हो? अच्छा रहेगा ना सैंडी अंकरन चाय कॉफी वाले, दोनों को मिक्स करके पिलाएंगे हम, मजा आएगा ना यार। क्यों दोनों को मिक्स करोगे चाय और कॉफी? दो बूंद चाय की, दो बूंद कॉफी की और 10 बूंद पानी।